मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। मथुरा में तैयारियां पूरी, दिल्ली के मंदिरों में भक्तों के बिना होगी पूजा। काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में कई बच्चों के मारे जाने की मिल रही खबर। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को हुए हमले में कई अफगानी नागरिक मारे गए। सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर से मामलों की अंतिम सुनवाई प्रत्यक्ष रूप फिजिकल से करने के लिए नई मानक संचालक प्रक्रिया जारी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह अपने प्रदेश दौरे की शुरुआत करेंगे अयोध्या से। 31 अगस्त को राजा भैया आएंगे अयोध्या। किसान सुशील काजल की मौत के मामले में पुलिस पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा। संयुक्त किसान मोर्चा ने बस्ताड़ा टोल की घटना की निंदा। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नाइट कर्फ्यू में छूट, कोविड प्रोटोकॉल के साथ विशेष छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी। विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को शांतने में लगी कांग्रेस। सलमान खुर्शीद ने की आज रिक्शा चालक, कुली और रेलवे कर्मचारियों से मुलाकात। करनाल में शनिवार को किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर बोला तीखा हमला। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले SDM को तुरंत बर्खास्त करने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में जैसे ही चित्रकूट के लड़की के खिलौने का उच्चारण सुनाई पड़ा, काम से जुड़े शिल्पकारों का मन हो उठा प्रफुल्लित। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान के लिए सरकार बनाना और उसे चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी से आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।